हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ठीक, तो बात करते हैं कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की हिस्सेदारी। तो इसे लिखा है रिजवान अंसारी ने। हाल ही में क्रेडिट स्विस नामक स्विस संगठन ने कॉरपोरेट जगत में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की माने तो भारत में महिलाओं के लिए कॉरपोरेट की दुनिया अब भी बेहद सिमटी हुई है। दुनिया भर में 56 देशों की 3,000 कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें भारत को 23वें पायदान पर रखा गया। याद रखिए, तो 23वें पायदान पर रखा गया। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में कंपनी की बोर्ड टीम में महिलाओं की भागीदारी केवल 4.3% का इजाफा हुआ है। वरिष्ठ प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी 2016 में महज 6.9% थी, लेकिन थोड़े इजाफे के बाद अब वह 8.5% हो गई। भारतीय कंपनियों में महिला सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रतिनिधित्व केवल 2% है, जबकि सीएफओ मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर महिलाओं की भागीदारी महज 1% है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में महिला सीईओ के मामले में थाईलैंड पहले स्थान, मलेशिया दूसरे और फिलीपींस तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत रैंकिंग लिस्ट में नीचे से तीसरे पायदान पर है। इसी तरह महिला सीएफओ के मामले में भारत नीचे से दूसरे स्थान पर है। 15% महिला सीईओ के साथ सिंगापुर और इटली दुनिया भर में सबसे आगे हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आईटी के 80% प्रमुख पुरुष हैं। रिपोर्ट की माने तो महिलाओं को निर्णय लेने से संबंधित भूमिका में बहुत कम मौके दिए जा रहे हैं। जहाँ तक लैंगिक असमानता का सवाल है, तो हालिया वर्षों में जारी दूसरे सूचकांक में भी भारत की स्थिति बेहद बेहतर नहीं रही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत को 108वां स्थान मिला, जबकि इसमें 149 देशों को शामिल किया गया था। इस तरह लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2018 में 129 देशों की सूची में भारत को 95वां 95 पायदान पर रखा गया है। अमूमन इस तरह की रिपोर्ट आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और पोषण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शिक्षा की प्राप्ति आदि जैसे मापदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। जाहिर है कि ये रैंकिंग इन मुद्दों पर हमारे पिछड़ेपन का एक आईना है। दूसरी ओर समाज और पारिवारिक स्तर पर भी महिलाओं की दयनीय स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक कॉरपोरेट जगत का सवाल है, तो भारत सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की है। 2013 में व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से कंपनी अधिनियम में इस बात को जरूरी किया गया है कि कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर हो। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में जमीनी स्तर अभी और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कानून का अभी तक पूरा लाभ नहीं मिला। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि कंपनियों के बोर्ड में शामिल करीब 25% महिलाएं प्रमोटर फैमिली की हैं, लिहाजा पारदर्शिता का अभाव हमेशा ही एक बड़ी समस्या रही है। गौर करें तो कानूनी प्रावधान का लाभ भी मिला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने में महिलाओं को जगह देने वाली कंपनियों की शेयर होल्डिंग्स वैल्यू बेहतर हुई है। पिछले 5 सालों में ऐसी कंपनियों की संख्या 10% कितनी 10% की वृद्धि हुई, जिसमें बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया गया। दफ्तरों में लैंगिक असमानता की खाई को पाटना है तो बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है। फिलहाल
फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। बहरहाल कॉरपोरेट जगत को बड़ा दिल दिखाते हुए कंपनी अधिनियम के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है ताकि महिला भागीदारी के सपने को साकार किया जा सके। चलिए, तो ये था एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।